कलंक से पहले आज वायरल हुई आदित्य रॉय कपूर की एक सुपरहॉट तस्वीर। सलमान खान की अगली फिल्म दबंग 3 के प्रोड्यूसर्स को मिला शूटिंग को रोक देने का नोटिस। अहिल्या घाट से सेट हटाते वक्त किले पर बनी ऐतिहासिक महत्व वाली मूर्ति का हाथ तोड़ देने पर स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। नोटिस में मध्य प्रदेश के मांडू में जल महल के अंदर बने दबंग 3 के दो सेट को हटाने को कहा गया है। सलमान खान के बाद अब माधुरी दीक्षित उतरी कोरियोग्राफर सरोज खान के सपोर्ट में। माधुरी ने कहा कि उनको काम ना मिलना इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। इससे पहले सलमान से मिली थी सरोज खान और उन्होंने वादा किया कि वो उनके अगले प्रोजेक्ट में सरोज खान को काम देंगी। दिल्ली की सड़कों में स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण। फिल्म छपा के लुक में दीपिका अपने को स्टार विक्रांत मैसी के साथ सीन शूट कर रही थी। एसिड अटैक विक्टिम के लुक में उन्हें पहचान पाना नामुमकिन है। कार्तिक आर्यन का एक बेहद फनी वीडियो आज वायरल हुआ। वैनिटी वैन के बाहर फोटोग्राफर्स के साथ उनका ये मोमेंट देखने लायक था। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ली शाहरुख खान की क्लास। फिल्म बदला के सक्सेस को नजरअंदाज कर देने की वजह से नाराज हुए बिग बी। शाहरुख ने फौरन इस पर रिप्लाई करते हुए बिग बी से पार्टी मांगी। पाकिस्तानी टीवी शो देखकर आलिया भट्ट ने की थी अपनी फिल्म कलंक की तैयारी। आलिया हाल ही में अपने लुक्स पर खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने इसकी तैयारी पाकिस्तानी टीवी शो जिंदगी गुलजार है देखकर की थी। इस शो में सनम सईद लीड रोल की भूमिका में नजर आई थी। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर कल यानी कि 11 अप्रैल को मुंबई में लॉन्च किया जाने वाला है। उससे पहले मेकर्स ने टीजर और पोस्टर से बस क्रिएट किया। तैमूर अली खान के कांस्टेंट मीडिया टेंशन से भड़क उठे सैफ अली खान। मीडिया से कहा, बस करो यार, तैमूर अंधा हो जाएगा। ये तस्वीरें तब की है जब तैमूर सैफ करीना के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। कंगना रनौत ने अनाउंस कर दी है अपनी अगली फिल्म। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी डायरेक्ट करने के बाद कंगना अब डायरेक्ट करने वाली है एक एक्शन फिल्म जो कि रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और जल्द पोस्टर रिलीज की जाएगी।